देखिए रेखे इन इन फिगर 6.36 QR अपॉन QS इज इक्वल टू QP अपॉन PR एंगल 1 इज इक्वल टू सो दैट ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR ये चीज क्या है। तो चलिए पहले क्या करते हैं ट्रायंगल TQR एंड ट्रायंगल TQR एंड PQR दो लेते हैं। तो इसमें देखें एंगल पी क्यू आर एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी आर क्यू दोनों बराबर होते हैं क्योंकि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू है ना। और क्या है और जो है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर क्यू टी अपॉन यहाँ से क्या मेरे पास क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू आर अपॉन क्यू एस या क्यू आर अपॉन क्यू टी भी लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन क्यू टी लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन क्यू टी क्यू एस अपॉन पी आर तो क्यू आर अपॉन क्यू टी क्यू आर ये हो गया तो क्यू टी ये हो गया जिनके पैसे हो गया ना क्यू एस ये हमारा क्यू एस इसमें क्यू एस क्यू आर अपॉन क्यू आर जैसे क्यू आर हमने कॉन्टेक्ट में कर दिया और इसके साथ हमने क्यू आर अपॉन क्यू एस गिवन तो देखिए जैसे ये साइड इसके बराबर है मेरे ट्रायंगल में ट्रायंगल पी क्यू आर में दोनों बराबर है ना ये दो ठीक है तो ये आपका आइसोसेलिस ट्रायंगल आइसोसेलिस हो जाएगा ना दो आइसोसेलिस हो गया और आइसोसेलिस हो गया तो टी क्यू टू क्या लिख सकते हैं मतलब क्यू टू को लिख देते हैं क्यू पी प्लस ये हो जाएगा वन प्लस आर एस अपॉन
dq upon dq, say rs upon qs is equal to pg upon p. ठीक है, ये हो गया वन वन पेंसिल हो गया. तो आर एस अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू पी टी अपॉन पी क्यू. ये इससे क्या मिलेगा बताओ? इससे मिलेगा पी एस इज पायलटिव टी आर है ना. बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम इससे क्या मिलेगा बताओ? इससे मिल गया आपको कि इससे आपको मिल गया कि पी एस इज पायलट टू टी आर. पी एस देखिए, ये आपका ये दिस अपॉन दिस है इसको टू दिस अपॉन दिस दिया गया है. ट्रायंगल
आर टी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ना पी क्यू आर ठीक है टी क्यू आर ले रहे हैं और पी क्यू आर ले रहे हैं पी क्यू एस में ले रहे हैं तो देखिए एंगल वन इज टू इक्वल टू हियर ये दोनों एंगल सेम है जब ये सेम है तो यहां से क्या मिलेगा बताओ ये इंप्लाई कर रहा है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर ये दोनों साइड सेम होंगे ना इनफ्रेंस साइड आर इक्वल एंगल आर इक्वल बढ़े बढ़े अब इस साथ में जाना बढ़े बढ़े ठीक है और क्या दिया और दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू आर अपॉन क्यू एस दिया है चलिए हमने बोर्ड में लिख दिया था यहाँ से पी क्यू इक्वल टू पी आर ठीक है और क्या दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस QR upon QS is equal to QP upon PR दिया है तो QR को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दे ये QS plus QS plus R is ना upon QS QS जैसे तो इसलिए दिया मैंने और इसको ये अपन सेट करते QT QT को दो पार्ट में ब्रेक कर दे एक QP plus PT है PR अब उसको देखिए पीआर के प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं पीआर के प्लेस पर पी क्यू ले सकते हैं क्योंकि आपका ये दोनों साइड यहाँ पर लुक कर जाएगा दोनों साइड इक्वल ना इसलिए हमने यहाँ पर पी पी क्यू लिख दिया ठीक है अब इसको अलग अलग कर दिया तो अलग करने के बाद आपको वन मिल जाएगा ये मिल जाएगा वन सब कट गया अभी आ गया ना ठीक है तो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शन ये रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड हो गया रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड सेम मिले ना ठीक है तो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम से ये क्या बता रहा है इसमें ये बता रहा है कि लाइन पीएस कट द टू साइड इन द सेम रेशियो ना कट द टू साइड इन द सेम ठीक है एक ट्रायंगल टी क्यू आर लाइन पीएस कट द टू साइड इन द सेम रेशियो तो ये फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम ये ये तो लाइन होगी पैरेलल होगी तभी पास होगी ना यस सर ये लाइन बेस के पैरेलल होगी तो इसलिए पैरेलल आपने देखा जब पैरेलल होगी इससे देखो प्रूव कर दिया हमने इसका मतलब ये एंगल और इसके बराबर होंगे करस्पोंड और ये वाला लाइन वाले इसके बराबर होंगे ठीक है तो आप जो है आप ट्रायंगल कौन से ले रहे हैं एक तो टी क्यू आर ले रहे हैं एक ट्रायंगल पी एस क्यू ले रहे हैं हम प्रूव कर चुके हैं ये एंगल बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर दो एंगल और ये कॉमन है दो ना तो ये पर थ्री एंगल्स आप टू ट्रायंगल्स आर सेम देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर है ना तो सिमिलर हो गया जब सिमिलर हो गया तो ये आपने देखा ये चीज देखा सिमिलरिटी प्रूफ करना है तो सिमिलर प्रूफ चलिए काफी